सबके लिए खुशी का विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए तो ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की नगरी है, आज पूरा देश ही नहीं दुनिया राममय है। और इस अवसर में हम यहाँ पर शिवरी नारायण आए हैं, माता सबरी का एक जन्मस्थली है, वो सबरी माता जो आदिवासी समाज से थी और भगवान राम को प्रेम से अपना जूठा बेर खिलाई थी। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से भी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन का सभी को इंतजार रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप खत्म अब हो जाएंगे, हमने भी राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख लिया है, सबके हैं राम, सबको रामलला के दर्शन कराने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर भी टिप्पणी कहा है कि हम अपने हिसाब से। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। आपने भी यहाँ पर आयोजन करके रखा हुआ है इस क्षण का, तो सब लोगों को इंतजार था कि बहुत सालों से चल रहा था वो क्षण आज पूरा हो रहा है, लोग बेसब्री से इंतजार था कि स्थापित होते हुए देखें। और पूरे हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोग एकत्रित होकर के इसको अपने आँखों से स्थापित हो देखना चाहते हैं, उसके लिए सब यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको लगता है समाप्त हो जाएगा या लोकसभा में इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, जाकि जैसी भावना, जो जैसा सोचता है, मंदिर सब कोई जाते हैं, पूजा सब कोई करते हैं और भगवान सबके हैं, इसमें नहीं है कि केवल पार्टी या दल विशेष के लोगों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का